नमस्कार, गाजीपुर की दिन भर की सबसे बड़ी 5 खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं जिले की पहली बड़ी खबर से। गुरुवार की सुबह एक तेज रफ्तार ट्रक ने सदर कोतवाली क्षेत्र के लंका पर एक प्राइवेट बस और एक ऑटो में पीछे से टक्कर मार दी। इस घटना से घबराया चालक भागने के चक्कर में कुछ ही दूर जाने पर सकलेनाबाद दुर्गा चौक पर सामने से आ रहे पिकअप में भिड़ गया। टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप पीछे जाते हुए एक टोटो और स्कूटी से टकराकर मंदिर से जा लड़ी। इससे मंदिर का पिलर भी ध्वस्त हो गया, जबकि टोटो और स्कूटी भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पिकअप को टक्कर मारने के बाद ट्रक लगभग 20 कदम पर एक कंप्यूटर की दुकान के चबूतरे को तोड़ते हुए बिजली के खंभे से जा टकराया। इस दुर्घटना में ट्रक चालक के साथ ही टोटो चालक और स्कूटी चालक घायल हो गए। सूचना मिलते ही सदर कोतवाल दिलीप सिंह पुलिस कर्मियों के साथ मौके पर पहुंच गए और घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजवाया। छात्र संघ उपाध्यक्ष अतुल यादव और युवा समाज सेवी अभिषेक यादव ने अपने साथियों रोहित यादव, विनीत शर्मा, पीएम राय, गुलशन कुमार व मनोहर यादव के साथ मुख्य चिकित्सा अधिकारी को संबोधित ज्ञापन CMS को सौंपा। इसमें उन्होंने कहा कि हम लोग अपनी टीम के साथ जिला महिला अस्पताल का हाल जानने के लिए पहुंचे। यहां पर साफ सफाई की व्यवस्था भगवान भरोसे दिखी, पानी की व्यवस्था नहीं है। इससे अस्पताल में भर्ती प्रसूता महिलाओं के साथ ही तीमारदार प्यास बुझाने के लिए इधर उधर भटकते नजर आए। मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के नाम पर सिर्फ कागजी खाना पूर्ति की जा रही है। ज्यादातर टॉयलेट खराब अवस्था में मिले। CMS ने कहा कि अस्पताल का निरीक्षण कर जल्द ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता दीपक उपाध्याय जिला अस्पताल के महिला वार्ड में भर्ती अपनी मां के इलाज के सिलसिले में वहां मौजूद थे। तभी उन्हें जानकारी हुई कि इसी वार्ड में भर्ती करंडा क्षेत्र के ग्राम चोचकपुर निवासिनी 10 वर्षीय कुमारी प्रीति वर्मा और एक अन्य मरीज मैनपुर निवासी लगभग 40 वर्षीय श्रीकांत कुमार को खून की जरूरत है। परिजनों की लाख कोशिश के बाद भी ब्लड नहीं मिल रहा। इस पर श्री उपाध्याय ने तत्काल अपने सहयोगी मित्रों जाकिर हुसैन, अवनीश कुमार, पवन वर्मा तथा राहुल कुमार को जिला अस्पताल बुलाकर उन्हें प्रेरित किया। इन पर चारों लोगों ने 4 यूनिट रक्तदान कर मरीजों की जान बचाने का पुनीत कार्य किया। मरीजों के परिजनों ने हाथ जोड़कर और आशीर्वाद देकर इनका आभार व्यक्त किया। आकिब खान, संतोष कुमार, निखिल, अजीत यादव आदि मौजूद रहे। भारत पाक युद्ध में 1965 में अपना पराक्रम दिखाने वाले परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद का 55वां शहादत दिवस दुल्लापुर के धामुपुर गांव में गुरुवार को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाया गया। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य, वाराणसी 39 GTS के ब्रिगेडियर हुकुम सिंह बंसल की तरफ से आए 2 सैनिकों, CDO श्री प्रकाश जायसवाल सहित अन्य अधिकारियों और अन्य लोगों ने परमवीर चक्र विजेता और उनकी पत्नी रसूलन बीबी की प्रतिमा पर पुष्प चक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने शहीद के परिजनों से मिलकर उनकी समस्या सुनी तथा जो लंबित विकास कार्य पड़े हैं उसे यथाशीघ्र पूरा करने का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर उप जिलाधिकारी सूरज कुमार यादव, खंड विकास अधिकारी संदीप श्रीवास्तव, CO भूलकुड़ा राजीव द्विवेदी, थानाध्यक्ष जितेंद्र बहादुर सिंह, ADO पंचायत फैज अहमद, जुनैद आलम, प्रधान जनार्दन यादव, जैनुल अहमद, डॉक्टर RP पांडे, रामलाल यादव, गरीब राम, हरिकेश यादव, रुद्र प्रताप सिंह सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। पुत्र के दीर्घायु, सुख तथा समृद्धि की कामना को लेकर गुरुवार को गाजीपुर की महिलाओं ने जीवित पुत्रिका का निर्जला व्रत रखा। इस मौके पर गंगा स्नान तथा पूजा पाठ के बाद जीवतिया की कथा का श्रवण किया जाता है। महिलाओं ने प्रतीक के रूप में सोने या चांदी की जीवतिया को गले में धारण किया। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पुत्र पर आया संकट भी टल जाता है। इस पर्व के मद्देनजर महिलाओं ने भोर से ही निर्जला व्रत किया। दोपहर बाद महिलाएं गंगा स्नान के लिए विभिन्न घाटों पर पहुंची। स्नान के बाद पूजा अर्चन तथा दान पुण्य भी किया। इसके बाद गंगा घाटों, घरों तथा मंदिरों में पंडितों की ओर से जीवतिया के कथा वाचन किया गया। इसे महिलाओं ने ध्यान से सुना। कथा श्रवण के बाद पूजा की थाली या पात्र में रखे सोने या चांदी के जीवतिया को महिलाओं ने धारण किया। जिस महिला के जितने पुत्र थे उतनी संख्या में जीवतिया को धारण किया। शहर के ददरी घाट, कलेक्टर घाट, चीतनाथ घाट सहित अन्य कई स्थानों पर महिलाओं की भीड़ बनी रही। दोपहर बाद से ही महिलाएं गंगा तटों की ओर जाने लगी थी। गाजीपुर की ऐसी और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।